हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा की कृपा से घर में फुल मस्ती एंजॉय। और मेरे मुस्की, ये जो मैंने हैंडीकैम पकड़ रखा है ना, ये देखो, ये अब ये खुद लेना चाह रही है। ये देखो, सिर्फ उठ रही है, मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ बन रहा है खाना, और मैंने अभी आपको जैसा बताया था सीमा जा रही है, तो मटन बना रहा हूँ मैं। मटन की रेसिपी उस तरफ है, और इस तरफ सीमा, आज सीमा की बताइए। सीमा हाय कर दे। आज 10 महीने बाद सीमा यहाँ से रवानगी है। मौसी आ गई है, आंटी इधर मालिश कर रही है हमारी भांजी की, और मम्मी आज अपने घर जा रही है हमारी भांजी। तो टोटल 10 महीने। ये बता, फोन के चक्कर में रो रही है कि मैं चलाऊंगी, ये चलवाता रुक जाएगी बता। तो अभी सब लोग आने वाले हैं, जीजा भी आने वाले हैं, सोनू भाई को भी बोला हुआ है मैंने, कहा थोड़ा सा छुट्टी थी, आप लोग भी आ जाना। ओहो, इसे भैया ये चाहिए, देख रहे हो कि फोन मैं चलाऊंगी, मैं देता हूँ। लो आप लोग लो लो लो। तो आज की हमारे मटन बनाने की रेसिपी चालू है। आज सुबह सुबह देख रहे होगे आप लोग। तो आज सीमा की विदाई है, सीमा अपने जा रही हैं ससुराल अपने बेबी के साथ। इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल में गर्म हो गया था तो मसाले डाल दिए हैं खड़े। उसके बाद जाएगी ये बहुत सारी प्याज करीबन 3.5 किलो, और मटन है 6 किलो। क्योंकि भारी है भगोना, तो एक बार ये प्याज जा चुकी है। अब इसमें थोड़ा चलाएंगे और नमक डालेंगे थोड़ा सा, कि ये जल्दी से जल्दी गल जाए, क्योंकि गलने में बहुत समय लगेगा। इसमें तो हमारा मटन आ चुका है, गोलू अभी लेके पहुंचे हैं। तो लता धोने में लता आज मटन धो रही है, और भाभी हमारी इधर वो काट रही हो, मिर्च काट चुकी हैं, और इधर चाय बन रही है, और मुस्की की दादी एक साथ है। मुस्की अपना मिठाई खा रही है, चाहिए तो दोनों हाथों में चाहिए। कोई भी सामान, मटन बहुत ही इंद्रापुरम से मंगाया, मटन जबरदस्त रहता है, देख सकते हैं आप। फटाफट धो के अपना कर दो, मामला सही। तो आज सीमा की विदाई है, सीमा आज अपने घर जा रही है। तो ये आ गए हमारे जीजा और जीजा के फ्रेंड मिस्टर बलबीर। तो कैसा महसूस कर रहे हो आज अपने बीवी बच्चों को लेके जा रहे हो 10 महीने के बाद? बहुत अच्छा है, अब हो गई आपकी होल फैमिली। इधर तैयारी हो गई है, सीमा के बैग रखे हुए हैं 1 2, और इधर नई फोटो नहीं वीडियो बना रहा हूँ। मौसी आराम कर रही है, और हमारा छोटा कल्लन दूध पी रहा है, और हमारी मीट का प्रिपरेशन चालू है। गोलू उधर से लेके आ जा, डाल दे मीट। अच्छा अब तो यही है गोलू हमारा मीट। प्याज अच्छे से भुन चुकी है, और ये मिर्च और टमाटर की पेस्ट है ये। तो चलते हैं, हम अपना बकरा लेके आते हैं। तो इसमें अभी हमने ग्रेवी जो प्यूरी थी टमाटर की, वो हरी मिर्च की और मटन डाल दिया। अब इसे पकने में लग जाएगा, कम से कम भी पानी छोड़ने में मटन को मैक्सिमम आधा घंटा। तो अभी चला रहे हैं गोलू, तो ये सब मैं अभी अंदर रख देता हूँ। इसमें मटन धो के लाया था, इसमें प्यूरी थी, तो इनको ले चलता हूँ। इसे ढक दे गोलू, मैं अच्छा वो प्लेट लेके आ जाता हूँ, ठीक है? तो ये अपना मटन तैयार है, अभी इसमें धनिया वनिया डाल दिया है, ये आप देख रहे होंगे, और पीसेस दिखाता हूँ मैं आपको निकाल के। कलर एकदम रोगन ऊपर आ चुका है, चॉप्स चॉप 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 चॉप, कहाँ जा रही है चॉप मीट। बस 10-15 मिनट में कंप्लीट है, ये देख रहे हैं मसाला वसाला अच्छे से पक गया है। ये हमारी नली एकदम परफेक्ट है, और अंदर भी खाने की तैयारी चल रही है बिल्कुल। बस पूरा पैक कर दे बोलो, लाइए दे दो मुझे, मैं धनिया का वो ले जाऊँ। और यहाँ गोलू की शादी की बात चल रही है, और एक लड़की दिखाई है, गोलू उधर शर्मा रहा है, गोलू मांग रहा है गाड़ी। 26 साल नहीं,
ये 31 साल का है। बताना गोलू कितने साल का है मम्मी है भाभी गोलू जब मैं 32 का हूँ तो गोलू 31 का नहीं है। मुझसे चिड़ जा रही है। तो सीमा अब खाना खाने की तैयारी में है। दोनों सीमा और जीजा खाना खा रहे हैं। दिव्यांशु को खांसी आ रही है तो अभी खाना पीना खा रहे हैं। फिर इसके बाद अभी लोग निकलते हैं। सामान सारा रेडी है सीमा? तो अब कब आएगी? जून में। पक्का? हाँ। लॉक कर दूं? हाँ। चल तो ठीक है। तो दिव्यांशु तुम लेने जाओगे? लता बहुत रोएगी, तू नहीं रहेगी ना? लता बहुत रोएगी ना लता? सीमा नल्ली खा ले। हाँ ये लगा लो, मम्मी हमारी फ्री हो जाएंगी। नहीं तो हमेशा बिजी रहती थी। मम्मी का टाइम नहीं कटेगा फिर ये है। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि दो शादी कर लो, एक बहू और आ जाएगी तो मम्मी उनके साथ रह ले। मम्मी के पास दो बच्चे नहीं। क्यों जीजा? ये था कि दो बच्चों को हम थोड़ा हैंडल करते। हाँ। मम्मी फ्री होंगी तो मम्मी दो बच्चों। मम्मी हमारे दो बच्चों करेंगे नहीं। मम्मी इससे आदि को तो आदि से परेशान रहती तो उससे तेजी निकल गई। कल्लन चौधरी को जरा दिखाया जाए। कल्लन चौधरी आंखें खोल रखी है। कल ओहो ओए बेटे, अरे ओहो तेरी अभी अभी छोटा है, बहुत 2 महीने हो गए। तो सीमा एकदम रेडी है, तो निकलने की तैयारी हो चुकी है। तो हाँ, तो सीमा के हाथ में सीमा की बेटी को दे दिया जाए, हमारी कल्लन चौधरी का। आओ जीजा, फिर लो सामान वामान। सोनू भाई और चमन भी आ गया। थोड़ा तो छुट्टी थी तो हम थोड़ा एंजॉय करेंगे। एंजॉय के लिए हमारा ट्रैक्टर का मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, खाना इसमें रहता है, उसके लिए पॉट लेके आना है। हुक्का जलाओ सोनू भाई आज। अरे तुम भी नहीं पीते। दिव्यांशु वो खांसी हो रही है। कहा मौसरी खाओ जरा। तो सीमा की विदाई हो रही है, तो ये कुछ रसम है। जो हाथ जितना आ रहा उतना जो आ जाएगा वही उठा लो। ये हमारी रस्म होती है लड़की की विदाई के टाइम। मौसी रोना वोना मत, ठीक है? चलो सीमा कर दो, पकड़ लेंगे इसमें, थैले में रख दो ना सीमा के, सोले थैले में। ये सब निकाल लो, ये सब तो सीखना चाहिए हमें, आदि के टाइम में भी निकालना पड़ेगा। ये चावल हमने जो सीमा को पहुंचा था वो दे दिया है, उसमें से कुछ थोड़ा सा अपना निकाल लिया है, बाकी अब सीमा तैयारी में है। ये अभी थाला भी है। हाँ। ये ये जीजा ये थाला लो इसने। चलो भाई चलो, मम्मी सीमा के दे दो मोती हाथ में, और सीमा का बड़ा मोती ये। चलो तो हंस रही है सीमा। सीमा चल क्या रोएगी? नहीं नहीं सही है, अब रोने वाली क्या बात है, अपना घर जा रही है, अब तो खुशी होने वाली बात है। और क्या तुम कहा? हेलो बाय। ए, नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए, अब नहीं रुकेगी, अब नहीं रुकती, ऊपर रुक गई। चलो भाई ठीक है सीमा, अपना ध्यान रखियो अपने ज्यादा कल्लन चौधरी का, ठीक है बाय।
तो भैया सीमा तो चली गई अपने घर अपने बच्चे के साथ फुल फैमिली। अब हमारी पार्टी चालू है। खान साहब और सोनू भाई अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, या तो अभी अगर मेरे को थोड़ा सा मैं सही रहा तो फिर ब्लॉग बनाऊंगा, नहीं तो नहीं मैं बोल नहीं पाता।